बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम दिलदार हुसैन है। दिलदार हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो चिकन और आलू के समोसे बनाने हैं। तो कैसे बनेंगे आज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरा जो चैनल है दिलदार फूड रेसिपी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम इधर पतीला रख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, तो अब फ्लेम को मैं ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। तो यहाँ पर ये मैंने तीन आलू लिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब मैं इनको उबाल कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, इस तरह इसमें डाल देता हूँ, ऊपर से ढक्कन लगा देता हूँ। तो इस तरह ये, यहाँ पर ये देखिए, इसको आलूओं को मैं उबाल कर रहा हूँ। तो आलू उबाल हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, आलू उबाल हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे जो आलू हैं वो उबाल हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अपना एक प्यार से बोल दूंगा समोसे का, मैदा तैयार करूँ समोसे। तो अब मैं यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैंने मैदा लिया। यहाँ पर ये देखिए, दो कप मैंने मैदे के लिए ये डाल दूंगा। इस तरह तो यहाँ पर ये मैंने डाल दिए हैं। तो अब मैं इसके ऊपर नमक डालूंगा। यहाँ पर ये देखिए, नमक एक चम्मच मैंने नमक के लिए है। इस तरह तो यहाँ पर नमक मैंने डाल दिया है। तो अब मैं यहाँ पर ये देखिए, मैंने ये गर्म मसाला लिया है, जीरा और साबुत ये लिया है, ये डाल दूंगा। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह। तो अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर इस तरह इसकी मिक्सिंग कर लेता हूँ। इस तरह तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरह मिक्स कर के। तो अब मैं इसमें ये घी डालूंगा। यहाँ पर ये इस तरह, तो घी मैं डाल दिया। तो हाथों की मदद से इसको भी इस तरह कर लेते हैं। अच्छी तरह हाथों के मदद से इसको भी मिक्स कर लेते हैं। इस तरह तो इसी तरह ये मैदा तैयार करके इस तरह थोड़ा हम इसको पानी लगाएंगे। इस तरह तो इसी तरह ये मैदा तैयार करके तो यहाँ पर ये देखिए, मैदा मैंने तैयार कर लिया है। तो अब हम इसको नीचे रख देते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ये देखिए, मैदे पर जो मैदा तैयार किया है इसको थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेते हैं। यहाँ पर ये देखते हैं, इस तरह हम इसको ऑयल लगा लेते हैं। इस तरह तो यहाँ पर ये देखिए, ऑयल मैंने लगा दिया है। तो अब मैं इसे 10-15 मिनट के लिए रख देता हूँ। तो 10-15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 10-15 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो हमारी बड़ी हो जाती है, इसलिए तो मैं यहाँ पर ये देखें, इसको इस तरह बेल के और समोसे बनाकर फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, समोसे मैंने तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब मैं इनको, इन समोसे को नीचे रख देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए इस तरह। तो अब मैं यहाँ पर ये देखिए, मसाला तैयार करता हूँ। फ्लेम को मैं ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने घी लिया है। तो अब मैं यहाँ पर ये देखें, अब मैं इसमें डालूंगा। यहाँ पर ये देखिए, मैंने कीमा लिया है, चिकन का कीमा। तो अब मैं यहाँ पर ये देखें, आधा किलो मैंने कीमा लिया है। तो अब मैं यहाँ पर, घी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसके ऊपर ये देखें, मसाला डालूंगा। यहाँ पर ये देखें इस तरह। तो मसाला मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं ये कीमा डालूंगा, आधा किलो मैंने कीमा लिया है। यहाँ पर ये देखें इस तरह। तो यहाँ पर ये देखें, तो अब मैं इसको चम्मच की मदद से इस तरह हला लेता हूँ। यहाँ पर ये देखें इस तरह इसको हला लेते हैं। यहाँ पर ये देखें इस तरह इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, इसी तरह इसको हमने अच्छी तरह पकाना है। यहाँ पर ये देखें इस तरह अच्छी तरह इसको आपने पकाना है। ये जैसे जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इस तरह पका के फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
समोसे बहुत ही अच्छी बनेगी आज की जो हमारी रेसिपी है चिकन और आलू के समोसे की। तो यहाँ पर ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर कीमा जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब मैं फ्लेम को बंद कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से फ्लेम यहाँ पर मैंने बंद कर दिया है। तो यहाँ पर ये देखिए कीमा मैंने कढ़ाई से बाहर निकाल लिया। यहाँ पर ये देखें तो अब मैं यहाँ पर ये देखें मैंने एक प्याज और सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी लिए काट कर ये ऊपर डाल दूंगा इस तरह यहाँ पर ये देखें इस तरह। तो अब मैं इसको नीचे इस तरह यहाँ पर इस तरह हम इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें इस तरह। तो अब मैं यहाँ पर ये देखें आलू मैं इसके ऊपर यहाँ पर ये देखें इस तरह इसके ऊपर आलू रख देता हूँ इस तरह। तो अब मैं ब्रेड को यहाँ पर नीचे रख देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर ये सब धनिया ऊपर धो देता हूँ। यहाँ पर ये देखें इस तरह। तो धनिया मैंने धो लिया है। तो अब मैं मसाले इसके ऊपर धो लूँगा। यहाँ पर मैंने लिया है एक चम्मच नमक एक चम्मच ये हल्दी और एक ही चम्मच ये कूटे हुए मिर्च मैंने लिया है। ये मसाले इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह। तो अब मैं इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखें इस तरह हम इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। तो इसी तरह ये मिक्स करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें मैंने तैयार कर लिया है। ये देखें अच्छी तरह मिक्स कर लिया। तो इसे अब मैं 10 मिनट के लिए रख रहा हूँ। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 10 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ये देखें समोसे बनाता हूँ। तो यहाँ पर ये मैं एक प्लेट लिया मैंने यहाँ पर इस तरह। तो यहाँ पर ये जो पहले मैंने समोसे बना लिए थे ये जो है काट लिए थे। तो अब मैं यहाँ पर ये समोसे बनाता हूँ इस तरह। यहाँ पर हमने समोसा जो है इसको रख लेते हैं। तो अब मैं ये जो मसाला डाल दिया था ये इसके ऊपर इस तरह ये देखिए इस तरह। तो अब मैं ये देखिए इस तरह ये देखिए इस तरह और यहाँ पर ये देखिए इस तरह ये बना रहे हैं समोसे। यहाँ पर ये देखें इस तरह हमने इस तरह कर लेना है। यहाँ पर ये देखें तो यहाँ पर ये एक मैंने बना लिया। तो इसको मैं यहाँ पर एक प्लेट में नीचे रख देता हूँ। तो दूसरी तरह इस तरह बना देता हूँ। यहाँ पर ये देखें इस तरह। तो यहाँ पर इसको पानी हम लगा देते हैं। यहाँ पर ये देखें इस तरह हम इसको पानी लगा लेते हैं साइड पर इस तरह। तो इसी तरह सारा तैयार करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए समोसे मैंने बना लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर फ्लेम को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखिए फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर मैंने घी लिया है। ये घी को हम इधर गर्म होने के लिए रख तो घी हमारा गर्म हो रहा है। तो फ्लेम को हम थोड़ी सी तेज कर देते हैं। यहाँ पर ये देखिए तो घी हमारा गर्म हो रहा है। जैसे कि गर्म होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर घी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर ये देखें जो समोसे हैं उनको इसमें डाल देता हूँ। यहाँ पर ये देखें इस तरह। यहाँ पर ये देखें इस तरह ये डाल देता हूँ इस तरह। तो अब मैं यहाँ पर ये देखें इसकी एक साइड को हमने 2-3 मिनट पकाना है। इसकी एक साइड पक जाए अच्छी तरह फिर मैं इसकी दूसरी साइड को पकाऊंगा। तो इनकी एक साइड पक चुकी है। तो अब मैं इसकी साइड को दूर करता हूँ। यहाँ पर इस तरह इनकी साइड का दूर कर लेते हैं। तो सैड मैंने तब्दील कर लिया है। तो ये जैसे तैयार होते हैं फिर मैं इसको बाहर निकालता हूँ। तो समोसे हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं बाहर निकालता हूँ। यहाँ पर ये देखें इस तरह। तो यहाँ पर ये देखें इस
तरह मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ, दूसरे को भी इस तरह इसका जो भी है एक्स्ट्रा वो अच्छी तरह हमने इसको नीचे डाल दिया। तो अब मैं यहाँ पे ये देखें इसको डाल दिया, तो अब मैं इसी तरह और तैयार कर देता हूँ। तो इसी तरह ये तैयार, इसी तरह सारे ये मैं तैयार करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो समोसे हमारे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर ये देखें कैचअप, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो हमारी रेसिपी थी चिकन और आलू के समोसे की वो तैयार हो चुकी है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारा जो चैनल है दिलदार फूड रेसिपी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे छोटा भाई समझ कर मैं सपोर्ट कर दें या फिर तैयार होता है। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ध्यान रखना, गाँव में याद रखना। तो अल्लाह हाफ़िज़।